अलमदार हमने जैसे ही कहा अली भी अलमदार अब्बास भी अलमदार, लेकिन एक बीवी के कानों से आवाज करता है, सुनो शायद जनाब मुल्मनीन ने आवाज दी हो कि अली को बस अलमदार न कहना, अली अलमदार के साथ साथ वफादार भी है। आए अल्लाह अकबर, मैं कह रहा हूँ उसका भाई करिए, इसलिए कि बस कुछ ना पढ़ सकूंगा नहीं तो बस कुछ मुकात आप कर डालो। अली बीवी की आवाज आई, अली को बस अलमदार न समझो बल्कि अली अलमदार के साथ वफादार भी है। बीवी को तकू वाकया भूल गए खैरों का, 39 दिन तक जो अलम लेने जाते रहे वो अलमदार थे, 40 दिन जो गया वो अलमदार भी था वफादार, जो गया वो अलमदार भी था वफादार भी था, जो 39 दिन तक जाते रहे वो अलमदार भी था, जो 40 दिन गया वो वफादार भी है। अल्लाह ने जनाबे अब्बास को इतना बड़ा शरफ बख्शा, इतना बड़ा शरफ बख्शा कि आप महसूस भी नहीं कर सकते। अब सुनिए ये अली है क्या, अली का बेटा और अली है क्या, तवज्जो फरमाए, मौला है, काबे की छत पर भेजा अब्बास को, जनाबे अब्बास ने सारे हाजियों को मुखातिब किया, बेटा रखिएगा भाई कसम खुदा की, हाजियों को मुखातिब किया, मुखातिब करके कहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह लजी शरफ तो हाजा कुतुब में बयानी, ए हाजियो तुम जो अपना घर छोड़ के यहाँ अल्लाह का हज करने आए हो, तुम्हें पता भी है जहाँ तुम हज कर रहे हो है क्या, भाई सुनिए ये जो हज करने आए हो तुम्हें पता भी है तुम जो आए हो ये है क्या, अल्लाह अल्लाह ने क्या कहा तुम हज करो, तुम्हारे ऊपर हज वाजिब। जनाब अब्बास का एक इशारा है हुसैन की तरफ, दूसरा इशारा है हाजियों की तरफ, और सबको मुखातिब करके गाजी कह रहे तुम्हें पता भी है जहाँ तुम हज कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, ये वो घर है जिसको मेरे बाबा के कदमों की वजह से शर्म मिला। भाई संतों की इनकी बात समझ में आ रही, काबे को शर्फ मिला है अली के कदमों से, काबे को शर्फ मिला है अली के कदमों से, आज सारी दुनिया हज करने जा रही है क्यों, ताकि मुशर्रफ हो सके। तो भाई तुम ना कहने दो, सारी दुनिया जहाँ जाके मुशर्रफ हो उसे काबा कहते हैं, और काबे को जहाँ शर्फ मिले उसे अली का कदम कहते हैं। किताबों में आया कि आने वाला जो नबी आएगा वह इस्माउल अहमद, उसका नाम अहमद होगा, तौरात में अहमद, ज़बूर में अहमद, इंजील में अहमद, मगर मोहम्मद का नाम मोहम्मद रखा अबू तालिब ने, ये करम है। सुनिए भाई अगर तुम न बोलोगे इसकी फजीलत से तो कौन बोलेगा, ये तो इतना मजलूम है कि इसका मर्तबा कौन क्या बताए, कोई तस्करा करता ही नहीं, जहां अबू तालिब का तस्करा छिड़ता है चेहरे जो है बिगड़ने लगते हैं। अब सुनो अल्लाह ने तीनों किताबों में जो जिम्मेदारी है, अल्लाह ने तीनों किताबों में जो ऐलान किया वो ये किया कि आने वाले नबी का नाम होगा अहमद, मगर अबू तालिब ने नाम रखा मोहम्मद, अल्लाह ने कहा मोहम्मद मैंने नाम अपने हिजाबात के पर्दे में छुपा के रखा ताकि ना आदम की नजर पड़ने पाए, ना नूह की नजर पड़ने पाए, ना इब्राहिम की नजर पड़ने पाए, ना मूसा की नजर, ना ईसा किसी की नहीं, मगर जनाबे अबू तालिब ने नाम रख दिया मोहम्मद, अपनी मर्तबा नहीं समझेगा। भाई जहां किसी नबी की निगाह न पहुंचे वहां अबू तालिब की निगाह पहुंच गई, जहां 1,23,999 नबियों की निगाह न पहुंचे वहां अबू तालिब ने देखा ते बात तो माननी पड़ेगी, अगर आज कोई इंसान कलमा न पढ़े वो है काफिर,
और जैसे ही नामे मोहम्मद जबान पे आ जाए फौरन कहने लगेंगे मुसलमान हो गया, मुसलमान हो गया, मुसलमान आ गया। मुझे तो समझ में नहीं आती जो 14 साल के बाद एक बार नाम दे दे वो तो मुसलमान हो जाए, और जिसने नाम की मोहम्मद रखा हो उसकी फजीलत समझ में नहीं आती। तो भाई बस इतना समझ लो, अगर फजीलत समझ नहीं हो, अगर फजीलत समझ नहीं हो, जैसे ही अली और मोहम्मद दोनों आए, मोहम्मद के नाम रखा अबू तालिब ने, मोहम्मद आए अबू तालिब ने नाम रख दिया, अली आए काबे के करीब कैंप और जाके अबू तालिब ने कहा पालने वाले इतना बता मैं इस बच्चे का नाम क्या रखूं। अल्लाह ने आवाज, मैंने तेरे बच्चे का नाम अली रख दिया, मैंने तेरे बच्चे का नाम अली रख दिया, मैंने तेरे बेटे का नाम अली रख दिया। कसम खुदा की दो तीन जुमले सुना रहा हूँ, मजलिस तमाम हो जाएगी, मगर हक समझ के बोल देना। अली के फजाइल अगर सुनने आओ, सुनो अली का मर्तबा क्या है, अली की फजीलत क्या है। शहजादी ने फरमाया अली को आलमदार ने कहना, शहजादी आलम तस्वुर ने कह रहे अली को आलमदार ने कहना, अली आलमदार भी है, अली वफादार भी है। अब जैसे ही अली पैदा हुए अली का नाम अल्लाह ने कहा था मेरा भी नाम अली, अबू तालिब तेरे बेटे का नाम भी मैंने अली रख दिया। अली अल्लाह भी अली, अब अबू तालिब का बेटा भी और मोहम्मद नाम रखा है अबू तालिब ने। मैंने कहा या मोहम्मद मुस्तफा, ए मोहम्मद मुस्तफा के चचा अबू तालिब, तुमने अपने भतीजे का नाम खुद रख दिया, और जब अपना बेटा हुआ तो अल्लाह से पूछ रहे। अबू तालिब ने आवाज दी, इतनी सी बात समझ में नहीं आई, अरे बेटा इतनी सी बात समझ में नहीं आई, मेरा बेटा है अली, मेरा भतीजा है मोहम्मद, मोहम्मद मेरे घर में पैदा हुआ, नाम मैंने रखा, मेरा बेटा अल्लाह के घर में हुआ। बात समझ में नहीं आई, मेरा बेटा अल्लाह के घर में हुआ, नाम उसने जब सोच तो ये रहा हूँ कि पढ़ा जा जाए तो तमाम हो गया चीजों। बस इतना समझ लो, पहले गए आले मोहम्मद अब्बास वफादार, इतने बड़े हैं वफादार के खत खींचा तो 30,000 से 9,00,000 के लश्कर आगे न बढ़ सका। और जो मामा अब्बास आलमदार इतने बड़े हैं कि अगर खत खींच दे तो 9,00,000 लश्कर की हिम्मत न हो तो कदम आगे बढ़ा दे, मगर वफादार इतने जैनब ने कहा भैया मान जाओ तो गए नहीं। अब एक जुमला सुन लो जो बिलाल कादरी साहब से सुनाने जा रहा हूँ और मजलिस यहीं पे तमाम हो जाएगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया। कम से कम जो रवायात ने लिखी वो तादाद है वाकई करबला की 30,000, 30 से 70-1 लाख ये जो मशहूर जमाना है वो है 9,00,000 के करबला में 9,00,000 का लश्कर था। आप ईमानदारी से बता दो कि जितना लश्कर था उनके चेहरों पे आंखें तो होगी, 9,00,000 का लश्कर। अब 9,00,000 की ईमानदारी से बताओ आंखें कितनी हुई, बोल के बताओ भाई, बोल के बताओ कितनी हुई, कितनी हुई। फजीलत को सलाम करिए, 9,00,000 के लश्कर की निगाह हो गई, तवज्जो फरमाइएगा पास का मर्तबा क्या था, करबला में है 9,00,000 का लश्कर और 9,00,000 की आंखों पर और 9,00,000 के चेहरे पर आके हुई 18,00,000। अब जुमला जाऊं तो 18,00,000 इन आंखों से नींदे उड़ा ले उसे हम पास लाए। जब सैनब ने मदीना छोड़ा ना, मेरा भाई जा रहा है, उसे अब्दुल्लाह बहन मर जाएगी अपने भाई के साथ में गई। पता है जब बीवी जाने लगी तो दौड़े हुए अब्दुल्लाह आए, दोनों हाथों में बच्चों के हाथ को है, दौड़ते हुआ कि कहते बीवी ए अली की बेटी ये दो बच्चे लेके जाओ, जो मेरे वाली वारिस
तो जब हुसैन पे आलम गुर्बत हो तो एक को मेरी तरफ से कुर्बान कर देना, दूसरे को अपनी जान से कुर्बान कर देना। और सुनो, दो से तीन मिनट अच्छी तो सुन लो, मल्लिश तो यहीं पे तबाह हो जाएगी। ये वो जैनब है जो अपने बच्चों को कभी न रोई। ये वो जैनब जब किसी ने पूछा, बीबी आप अपने बच्चों को क्यों नहीं रोती, तो जैनब ने रुखसारों को पीटा और एक जुमला कहा, ए बीबी ईमानदारी से बता, ये जैनब अपने भैया को रो या अपने बच्चे। अल्लाह अकबर, खुदा तुम्हें कोई गम न दे अजीजो। अरे ऐसे रोया करो कैसे वो दुखिया माँ जिसका पहलू टूटा हुआ वो रजादारों को देख के कहती है, ऐ मेरे लाल के चाहने वालों, अरे तुम्हें क्या बता, मैंने अपने बच्चे को किस तरीके से पाला था। अजीजो ये वो माँ है जो तुम अपने बच्चों को कभी न रोई। अब सुनो, अरे शाम का बाजार था, बस एक मरतबा शाम बाजार में एक बीवी है, बस अजीजो अरे सारे सरों को देख के कहती है, जब दोनों सरों पे नजर पड़ी, एक मोहम्मद का सर था एक कौन का सर था, कहती है अरे अल्लाह जाने इन बच्चों की माँ का आलम क्या हुआ होगा। बस अजीजो सुनेंगे, जब सारे शहर सौदा आना शुरू हुए, अजीजो सुनो, अरे अकबर का सर आया लैला नबर के लिया, अकबर का सर आया रबाब ने ले लिया। इस शहीद का सर आता रहा, बीवियां लेती रही। सुनो, जब ये नन्हे नन्हे तो सर आए हैं, अब एक मरतबा जितना शोर था वो शोर खामोश हो गया। किसी ने पूछा, अरे क्या इन बच्चों की माँ मर गई, क्या इनको फैसल लेने वाला नहीं। अब सोचो मुझे बताओ उस मत का आनंद क्या हुआ होगा। जैनब ने निगाहों को उठाया, क्या बीवियों ऐसा न कहो, मुझे बताओ मैं अपने भैया का मातम करूं या अपने बच्चों को रोऊं। अल्लाह अकबर, बता दीजो अब एक शोर उठा, अरे खामोश हो जाओ, निगाहों को झुका लो, जिन्हें अब पास पे ना थे वो रोएंगे जरूर। ए अजीजो रोजे पे बैठे हो, खामोश हो गए और सबने कहा, निगाहें झुका लो, अब गैरतमंद जिस पे सब को भरोसा था, अरे गाजी का सर आ रहा है। लो अजीजो, अरे गाजी का सर आया, सैनब ने वह के रुखसारो पे रुखसारा, ए भैया तेरे बाप चादर छिन गई। अरे जैनब ने बैन करना शुरू किए, भैया मेरे बाप जैनब के हाथ पसे गर्दन मारने गए। अभी तो सुनोगे आखिरी जुमला, बस मल्लिश में यही तमाम हो गई। रोने वालों अब जितना रोना करो लो, मल्लिश तमाम हो गई। बस एक बात बताओ, जब बीबिया मातम हो चुकी, हाय अब्बास हाय अब्बास हाय अब्बास की सदाए, बस एक मरतबा सैयद सज्जाद नजरों को झुकाए हुए फूफी अम्मा के पास के कहते, ऐ फूफी अम्मा जरा चंद लम्हे के लिए मेरे चचा का सर मुझे दे दो, मेरे चचा का सर मुझे दे दो। तब बेटा क्या करोगे मेरे लाल, ना फूफी दो तो सही, अजीजो ताकत तो न है। अरे बीमार ने सरे अब्बास को लिया और चचा के सर पे मुंह का मुंह रख के शरीर जहां से जात चलने लगे। जानते हैं सजात कहां पहुंचे, जिसकी शहादत कल सुनी, अरे यतीमाए हुसैन जिंदान में सर को लेके पहुंचे। अब कैसे ही जिंदान में पहुंचे, सरे अब्बास सकीना की लहर पर रख दिया, ऐ सकीना मेरा चचा। अल्लाह अकबर, वो घुस के न बना, पर जैसे ही मेरे लाल बड़ा अरमान था चचा आ गया। हजरत अल्लाह सब एक मरतबा जिंदान के दरवाजे टकराए, पर जैनब ने फिजा से कहा, अम्मा क्या कयामत आ गई, अरे देखो तो सही कहीं मेरे सैयद सज्जाद ने चचा के सर को कब्रे सकीना बदल रख दिया। पर जैसे ही फिजा गई, अरे गजब हो गया सज्जाद कब्रे सकीना से, ऐ मेरी जान चचा आ गया, तुझे बड़ी खाइश थी सज्जाद निपटने।